नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर कमोडिटी आउटलुक की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट वीक हमारा इसलिए हफ्ते रहा क्योंकि फेड की जो मीट थी यहाँ पे सबको उम्मीद थी कि 0.5 से रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक होता हुआ दिखेगा, बट इसके विपरीत हमने देखा कि फेड ने करीबन 0.75 का रेट हाइक दिया है, जिसके चलते पूरे ही कमोडिटी मार्केट के अंदर हमने बड़ी अफरा तफरी बनते हुए देखी है। हमने देखा कि 0.75 का हाइक 1970 पहला ऐसा हाइक बनता हुआ दिखाई दिया। रिजल्टेंट सोने में हमने 1.5% की गिरावट और चांदी में 1.5% की गिरावट आते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस ढंग से रिसेशन और कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बन रहा है इन्फ्लेशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन 41 साल के हाई पे पहुंच चुकी है, ये गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगी। बट ध्यान रखिए, आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती रहेगी तो कोई बड़ी तेजी आती है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से ये तेजी में कहीं ना कहीं ड्रॉप वापस बन जाता, तो एक दायरा बन जाएगा सोने और चांदी के लिए। वहीं अगर रेंज की बात करें अगले हफ्ते की, तो दायरा बड़ा होते जाएगा जहां पे हम 50,000 से लेकर 51,500 का दायरा देखेंगे। जब तक प्राइजेस 51,200 के ऊपर नहीं निकलता है ये दायरा बरकरार रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है जो सोने को सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। वहीं चांदी में हमने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस इसलिए भी देखा है क्योंकि बेस मेटल में जो गिरावट थी ये चांदी को अंडर परफॉर्म करने पे मजबूर कर रही है। रेंज की अगर हम बात करें तो 59,500 से 62,500 का एक दायरा है, इसी दायरे के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि इंटरनेशनल में जब तक 22,20 के ऊपर चांदी नहीं निकलती है, $21 से 22,20 के बीच में चांदी और 1820 से लेकर 1870 के बीच में सोना ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एनर्जी पैक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। कच्चे तेल में हमने 9.5% की गिरावट, जबकि नेचुरल गैस में हमने 21% की बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। कच्चे तेल की बात करें तो ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोल जरूर रहा है, बट अभी भी मटेरियल चेंज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो डाउट यूएस के अंदर जिस ढंग से सरटैक्स लगाया गया है, इससे माना जा रहा है कि यूएस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट प्राइजेस पे पड़ेगा। साथ में कोरोना का जो कंसर्न चाइना में पड़ा हुआ है ये प्राइजेस पे कंटिन्यू दबाव दे रहा है। ब्रेंट क्रूड 118 के नीचे 112 से लेके $106 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। अगला हफ्ता इनिशियल मार्केट में गिरावट जरूर रहेगी, बट लोअर लेवल से वापस प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिल जाएगा। टेक्निकली अगर लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है 8150-8200 के सपोर्ट से वापस कच्चे तेल में उछाल मिलना चाहिए, जो इंटरनेशनल के अंदर $108 से $109 का सपोर्ट बनता है। नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा यूएस रिफाइनरी के अंदर एक्सप्लोजन होने की वजह से नेचुरल गैस के अंदर 750 रुपए तक का हाई हमने पिछले हफ्ते लगते हुए देखा था, बट कहीं ना कहीं अब अटकलें बताई जा रही है कि 90 दिन में कुछ पार्शियल सप्लाई है वो रिस्टोर कर दी जाएगी, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर फिर से बड़ा जंप आते हुए फॉल आते हुए देख रहे हैं। बट यूरोप में गैस के भाव अभी भी तेजी में, जिस ढंग से यूरोप रशिया से सप्लाई लेता है और रशिया से अब नहीं लेने की वजह से यूएस पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड है। टेक्निकली पहले भी हमने 506 का सपोर्ट आते हुए देखा था, एज ऑफ नाउ अगले हफ्ते के लिए 500 का सपोर्ट रहेगा और 640 का रेजिस्टेंट रहेगा। मे बी पॉसिबल है 500-510 का लेवल दिखता है, वहां से वापस बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यूरोप के अंदर अभी भी सप्लाई कंसर्न बना हुआ है। अंत में अगर बेस मेटल की बात की जाए तो बेस मेटल के अंदर भी हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जहां पे कॉपर में 4.5% की, निकल में 3% की, एल्यूमिनियम में 6% की गिरावट हमने बनते हुए देखी। चाइना से डेटा पॉइंट खराब आता हुआ दिखाई दिया, डॉलर इंडेक्स में तेजी थी जिसके चलते प्राइजेस के अंदर दबाव था। कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर लो पे बनने की वजह से प्राइजेस को एक दबाव जो मिल रहा है वहां पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। की लेवल्स की अगर बात करें तो 730 से 785 का रेंज कॉपर में रहेगा, 305 से लेकर 320 का रेंज जिंक में रहेगा, लेड पहले की तरह 180 से 186 के बीच में ट्रेड करेगा। एल्यूमिनियम में सबसे बड़ी गिरावट देखी, जिस ढंग से हमने देखा प्रोडक्शन स्लोली एंड शर्ली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 210 से लेकर 224 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इन ऑल पूरे बेस मेटल के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। चाइना की पॉलिसीज पे नजर रखिए, अगले हफ्ते चाइना से डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर रिकवरी आती है तो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, बट इन ऑल वॉलिटिलिटी है, अगले हफ्ते भी मार्केट में मेंटेन रहेगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो कमोडिटी को उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।